तो दोस्तों वन प्लस ने यहाँ पर अपने स्मार्ट टीवी की जो बजट स्मार्ट टीवी की जो रेंज है वो लॉन्च कर दी है। तो आज बात करते हैं 32 इंच और 43 इंच वाले स्मार्ट टीवीज के बारे में। तो दोनों ही स्मार्ट टीवीज जो हैं काफी अच्छी क्वालिटी के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेजल्स बहुत कम है, बॉटम का जो चिन है उस पर सिंपल वन प्लस का लोगो बना हुआ है और काफी स्लीक सा स्लिम सा डिजाइन हमें यहाँ देखने को मिलता है। टीवी की स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 93% कलर गेमिट मिलता है, 64 बिट का पावरफुल प्रोसेसर है, एंड्रॉयड टीवी है बेसिकली ये, तो एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो 9.0 है और 64 बिट का पावरफुल प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 1 GB की रैम के साथ 8 GB मेमोरी मिल जाती है। ऑक्सीजन प्ले यहाँ पर यूज किया गया है, काफी अच्छा बेजललेस डिजाइन है, वन प्लस कनेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी आपको काफी अच्छी यहाँ पर लगने वाली है और नो डाउट कि वन प्लस की जो प्रीमियमनेस थी वो आपको इन टीवी में देखने को मिल जाएगी। तो वाइट कलर गेमट है, गामा इंजन है, डॉल्बी ऑडियो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इस रेंज में अगर आप देखें तो कलर काफी अच्छे मिलते हैं आपको। वन प्लस एक ऐसी कंपनी है जो हार्डवेयर वगैरह काफी सॉलिड प्रोवाइड कराती है और उनकी कैपेबिलिटी पे मुझे कभी शक नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको एक फाइनेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ, कलर स्पेस मैपिंग है, डायनेमिक कंट्रास्ट है, एंटी अलाइजिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि काफी अच्छी चीज है, डॉल्बी ऑडियो का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। तो बॉटम में आपको 20 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं जो कि आपको डॉल्बी ऑडियो का एक्सपीरियंस देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड जो है वो मिलने वाला है और आप काफी अच्छी तरीके से इस चीज को एंजॉय करने वाले हैं। बेजललेस डिजाइन है तो बेजल्स काफी कम है, 88% जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। और कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिलते हैं, ऑडियो वीडियो के पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ईथरनेट पोर्ट मिलता है और वीडियो ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है। तो पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, 2 USB 2 HDMI पोर्ट्स के साथ एकदम स्लीक सा डिजाइन है। एंड्रॉयड बेस्ड टीवी है तो एंड्रॉयड 9.0 यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसके साथ आपको कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे गूगल असिस्टेंट है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड की यहाँ पर आपको दी गई है जिसको आप यूज कर सकते हैं। क्रोमकास्ट बिल्ट इन है तो आप अपने स्मार्टफोन को इजीली सिंक कर सकते हैं, आप अपने स्मार्टफोन को मिरर कर सकते हैं और कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च करनी है तो आप मिरर करके इसी से सर्च कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन की सहायता से। तो ये एक अच्छी चीज़ है और जो भी आपकी इमेजेस हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं स्मार्ट टीवी पर और उसका आनंद उठा सकते हैं। ऑक्सीजन प्ले है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, कंटेंट कैलेंडर, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। एक्सपेंसिव लाइब्रेरी ऑफ प्रीमियम कंटेंट, तो यहाँ पर आपको कंटेंट जो है वो कंपनी कहती है कि प्रीमियम कंटेंट मिलता है, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, Z5, ये सारी एप्लीकेशन, वूट वगैरह ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनका एंजॉय ले सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो 43 इंच का जो स्मार्ट टीवी है उसका रेजोल्यूशन 1920x1080p है और 32 इंच का जो स्मार्ट टीवी है उसका जो रेजोल्यूशन है वो 1366x768 है। बाकी अगर बात करें साउंड आउटपुट की तो दोनों ही स्मार्ट टीवीज में आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट मिल जाता है, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, दोनों ही स्मार्ट टीवीज में आपको एंड्रॉयड 9.0 मिल जाता है, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, गूगल असिस्टेंट बिल्ड इन है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल क्रोमकास्ट है, 2.4 GHz का यहाँ पर वाईफाई जो है स्टैंडर्ड वाईफाई दिया गया है, ब्लूटूथ 5.0 है, वन प्लस कनेक्ट है, HDMI 2 पोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, USB के भी 2 पोर्ट मिलते हैं। अगर मैं बात करूं वेट की तो 32 इंच का जो टेलीविजन है उसका वेट है 3.5 kg और 43 इंच का जो स्मार्ट टीवी है उसका वेट है 5.7 kg। बॉक्स कंटेंट की अगर बात करें तो एक रिमोट है, एक यूजर मैनुअल है, एक पावर कोड है, एक वारंटी कार्ड है, एक स्टैंड है और 2 जो है वो AAA बैटरी यहाँ पर दी गई है। तो अब बात करते हैं इनके प्राइस की, तो 32 इंच का जो स्मार्ट टीवी है उसका प्राइस 12,999 है। तो ये डायरेक्टली टक्कर है रियलमी टीवी को जो हाल ही में लॉन्च हुआ था, और 43 इंच का जो स्मार्ट टीवी है वो आता है 22,999 का। तो प्राइस काफ़ी अग्रेसिव है और देखने वाली बात ये है कि वन प्लस प्रीमियम स्मार्ट टीवीज को एक मीडियम रेंज में लेके आया है, तो बजट स्मार्ट टीवीज आप कह सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज तो वन प्लस काफ़ी अच्छा है, तो लेट्स सी कि आप लोग इन स्मार्ट टीवीज को कैसा रेस्पॉन्स देते हैं और क्या यूज़र फीडबैक आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए द टेक प्रो।